हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या फिर इसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत की। तो स्थिर वैद्युत के बारे में हम लोग जानेंगे। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, क्या होती है इसकी डिफिनेशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज नथिंग बट इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट ऑफ अ रेस्ट चार्ज। हिंदी में अगर इसी को हम बोलें कि एक रुके हुए आवेश के कारण जितनी भी घटनाएं उत्पन्न होती हैं उसको हम जिस ब्रांच में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं फिजिक्स की, उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत की कहते हैं। तो ये तो हो गए इसके डिफिनेशन के बारे में। तो देखो, दो प्रकार से चार्जेस हमारे हो सकते हैं, एक स्थिर हो सकता है और एक क्या होता है, गतिक हो सकता है, मतलब रेस्ट हो सकता है और क्या हो सकता है, मूविंग चार्ज हो सकता है। तो अगर रुके हुए आवेश के कारण जो भी घटनाएँ उत्पन्न होंगी उससे, उनको हम क्या करेंगे, इस ब्रांच में पढ़ेंगे। और अगर गतिक आवेश के बारे में बात करते हैं, एक मूविंग चार्ज के पार्टिकल के बारे में बात करते हैं, तो वो अगले हम क्या करेंगे, यूनिट में उसको पढ़ेंगे। और वो यूनिट किस नाम से जानी जाती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली इस यूनिट में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, एक रुके हुए आवेश के कारण जो भी घटनाएं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत आवेश या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। रूट कॉज है, कह सकते हैं, बिना विद्युत आवेश को या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज को जाने हम आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो समझते हैं विद्युत आवेश होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग बट इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट टू अनदर बॉडीज या अनदर पार्टिकल। तो यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है। हिंदी में अगर इसी को बोलें हम तो क्या कहते हैं, आवेश किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वो दूसरी चीज़ों को, दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, गुण होता है, ठीक है। अब ये गुण किसी भी मटेरियल के अंदर हो सकता है, ठीक है, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, हर एक बॉडीज़ में चार्ज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर एक हम वस्तु ले लेते हैं। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी अगर होगी तो ये दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा, अगर इसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है तो ये दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। और वो प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी डाल देंगे तो ये क्या करेगा, दूसरी चीज़ों को आकर्षित करने लगेगा, अदरवाइज दूसरी चीज़ों को आकर्षित नहीं करेगा।